देखो दो क्लास हम लोग का टॉपोलॉजी के ऊपर हो चुका है, दो क्लास हुआ है टॉपोलॉजी के ऊपर। हाँ, फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिए थे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या, सेकंड क्लास में क्या किए थे, एग्जांपल्स किए थे। हालांकि सभी एग्जांपल नहीं हुआ है, आज भी एक दो एग्जांपल होगा, क्योंकि एग्जांपल का कलेक्शन ज़्यादा होगा तो तुम काम ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है, एग्जांपल का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा। तो पहले जो बात है, पहले मैं एक बार बोल दूँ कि हम लोगों ने क्या देखा था टॉपोलॉजी में, क्या देखा था टॉपोलॉजी में, क्या देखा था। अच्छा, क्या देखे थे कि एक्स कोई एक क्या है, एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक कलेक्शन है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या, एक्स इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट। अच्छा, एंड क्या था, एक कलेक्शन, एक कलेक्शन, देखो लैंग्वेज को देखो, एक कलेक्शन टाउ ऑफ क्या, सबसेट्स, किसका सबसेट्स, सबसेट्स ऑफ एक्स, एक्स का सबसेट्स आएगा यहाँ पे, तो एक्स का सबसेट्स आएगा। हम लोग क्या जानते हैं, कोई एक सेट अगर एक्स है, कोई एक सेट अगर एक्स है, मानो वो सेट मैंने ए बी सी लिया, ए बी सी मैंने एक सेट लिया, ठीक है, ए बी सी मैंने एक सेट लिया, तो इस सेट में इसका सबसेट्स क्या होता है जानते हो, बहुत सारा सबसेट है, कितना सबसेट है इसमें, इसमें कितना सबसेट्स है, तो क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करो, इसका इसका जितना सारा सबसेट्स है उसको कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स क्या होता है, पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट क्या होता है, पावर सेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज ए पावर सेट। तो यहाँ पे ए बी ए सी बी सी एंड एक्स, ठीक है, तो टाउ क्या है, टाउ एक्स का सबसेट्स का कलेक्शन है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जितना सारा सबसेट्स है सब तो पावर सेट में है ना, तो दैट इज क्या, टाउ में असल में क्या है, टाउ असल में क्या है, टाउ असल में सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। लैंग्वेज तो अलग है, इसमें लैंग्वेज में बहुत जन तरह का होता है, बहुत जन सोचता है कि टाउ एक्स का सबसेट है, टाउ एक्स का सबसेट नहीं है, टाउ के अंदर जो एलिमेंट्स है वो एक्स का सबसेट होता है। टाउ किसका सबसेट है, टाउ पावर सेट ऑफ एक्स का सबसेट है। तो ये बात समझो, टाउ क्या है, टाउ कलेक्शन है सर, कलेक्शन ऑफ क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। माने जैसे यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बोला था, जैसे एक टाउ मैंने बनाया, क्या बनाया, फाइ लिया एक्स लिए और सिंगलेटर सेट ए लिए, क्या बोले थे इसको, टॉपोलॉजी। अच्छा, तो ए भी एक टॉपोलॉजी है, तो ये क्या है इसमें, देखो तो इसमें क्या है, फाई क्या है एक का सबसेट, एक्स भी क्या है एक का सबसेट, और ए भी क्या है एक्स का सबसेट, तो ये टाउ क्या है, ये टाउ में एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स है एक्स का सबसेट्स। अच्छा, और ये टाउ असल में किसका सबसेट है, टाउ, टाउ के अंदर एलिमेंट्स होता है एक्स का सबसेट, और टाउ सबसेट है पावर सेट ऑफ एक्स का। ये कलेक्शन टाउ ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन किसका, कलेक्शन टाउ, टाउ एक क्या है, टाउ एक सेट है ना, टाउ एक सेट है, एक सेट टॉपोलॉजी फॉर्म करेगा, एक सेट टॉपोलॉजी फॉर्म करेगा अंडर क्या, अंडर सम कंडीशंस, कुछ कंडीशन अगर होल्ड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉपोलॉजी बोलेंगे। जैसे एक ग्रुप फॉर्म करने के लिए, जैसे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से चार प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो उसको ग्रुप बोलेंगे। अच्छा, तो मैंने क्या बोला कि एक्स एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अच्छा, टाउ क्या है, कलेक्शन टाउ क्या है, एक्स के सबसेट से बना हुआ है, मतलब टाउ इज ए पावर सबसेट ऑफ पावर सेट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, देन देन टाउ, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन टाउ इज ए टॉपोलॉजी ऑन क्या, टाउ इज ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स, तो देन टाउ इज ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग एक्सियम, बोले फॉलोइंग एक्सियम्स क्या था, फाई कहाँ पे होना पड़ेगा, टाउ में, सेकंड क्या था, एक्स भी कहाँ पे होना पड़ेगा, एक्स भी टाउ में होना पड़ेगा, एंड नंबर थ्री क्या था, आर्बिटरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, आर्बिटरी यूनियन ऑफ
members of tau is also a member of tau. माने tau is closed under arbitrary limit. नंबर फोर्थ क्या था? finite intersection of members of tau is also a member of tau. ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करे कोई सेट, तो सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी बोलेंगे. अच्छा, तो जो सेट सेटिस्फाई करेगा उसके अंदर मेंबर्स क्या होगा? सबसेट्स ऑफ एक्स. एक बात देखो, तो हम लोगों ने क्या बोला था? देन एक्स टाउ को क्या बोला था? टोपोलॉजिकल स्पेस. टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एलिमेंट ऑफ एक्स क्या बोला था? टी ओपन, टाउ ओपन. एलिमेंट ऑफ एक्स इज कॉल्ड टी ओपन सेट. ठीक है, टी टाउ ओपन सेट. देखो, ये चीज को याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि तुम लोग रियल एनालिसिस कर चुके हो. टोपोलॉजी में रियल एनालिसिस जो होता है वो एक स्पेशल केस होता है, यूजुअल टोपोलॉजी जिसको बोलते हैं, यूक्लिडियन टोपोलॉजी. इन लाइन में जब हम लोग काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूजुअल टोपोलॉजी. अच्छा, यूक्लिडियन जो टोपोलॉजी है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी. एक्स का एक्स क्या कर दो, एक्स को नॉन एम्प्टी सेट जो है ये आर ले लो. एक्स के अंदर क्या ले लो? आर ले लो. मानो कि टाउ के अंदर मैंने क्या लिया? टाउ इज ए कलेक्शन ऑफ ओपन सेट. अच्छा, कलेक्शन ऑफ क्या? ओपन सेट. ठीक है, रियल वाला मैं भी बोल रहा हूँ. इसको याद रखने के लिए क्या अच्छा तरीका है? रियल वाला याद करो. रियल में हम लोग ओपन सेट का मतलब जानते हैं. अच्छा, यहाँ पे ओपन सेट का मतलब अलग हुआ, ये जनरलाइज हो रहा है. यहाँ पे ओपन सेट का मतलब क्या है? टाउ का मेंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन सेट. जैसे अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये तुम्हारा एक ओपन सेट है ना, एक ये तुम्हारा क्या है? एक ओपन सेट है. कोई मुझे बोलो, ये क्या ओपन सेट नहीं है क्या? ये ओपन सेट है. पहले मुझे बोलो तो, फाइनाइट सेट कभी ओपन सेट हो सकता है रियल में? रियल में कभी फाइनाइट सेट ओपन हो सकता है? कभी भी हो नहीं सकता ना. ठीक है, रियल में ओपन सेट का मीनिंग अलग है और टोपोलॉजी में ओपन सेट का मीनिंग अलग है. टोपोलॉजी में ओपन सेट का मतलब सिंपली क्या है? ठीक है, जो टोपोलॉजी है उसके मेंबर्स अगर है तो ओपन. ठीक है, तो जैसे फाई, फाई क्या है? फाई तो ओपन ऐसे भी होता है, रियल में भी होता है. तो दिस इज ओपन सेट. क्लियर? तो रियल जो है, रियल एनालिसिस, वो टोपोलॉजी का एक पर्टिकुलर केस होता है. टोपोलॉजी का क्या है? एक पर्टिकुलर केस है. ऐसे याद रख सकते हो. रियल के साथ इसको कैसे याद रखोगे? क्योंकि रियल में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, इंटरसेक्शन फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन. तो वही चीज हम लोग यहाँ पे सोचेंगे. तो सर, यहाँ पे ओपन आप जो बोल रहे हो, रियल में जो बात बोल रहे हो, टाउ के लिए क्या बात सही है? टाउ के लिए भी सही है. जो टाउ के लिए भी जो एलिमेंट्स होता है वो क्या होता है? टाउ का एलिमेंट क्या होता है? ओपन सेट. तो वही बात है, इसको ऐसे याद रख सकते हो. फाई क्या होता है? हम लोग क्या जानते हैं? फाई इज ओपन सेट. जैसे आर में हम लोग क्या कहते हैं? आर फाई, ये दोनों क्या था? ओपन एज वेल एज क्लोज. ठीक है, तो फाई ओपन सेट होगा. यूनिवर्सल जो सेट एक्स है ये भी क्या होगा? ओपन होगा. आर्बिटरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, तो ऐसे याद रख सकते हो. ये चारों प्रॉपर्टी याद रखने का बहुत ईजी है. फर्स्ट क्या है सर? आर्बिटरी में यूनियन है और फाइनाइट में इंटरसेक्शन है. ये हम लोग किए थे रियल एनालिसिस में कि यूनियन के टाइम में आर्बिटरी लेना है और इंटरसेक्शन टाइम में फाइनाइट. मैट्रिक में भी ये सब बात बोलती है. सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस. सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेसेस पहले जो कराए थे. डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इंडिस्क्रीट
टोपोलॉजी, उसके बाद देखो तो क्या कराए थे, डिस्क्रीट इंडिस्क्रीट के बाद कोफाइनाइट कराए थे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कम से कम एक बार पेज उल्टा के देख लो। उसके बाद क्या कराए थे, वो काउंटेबल सिर्फ किस कराए थे, वो काउंटेबल टोपोलॉजी सिर्फ इसको नहीं लेंगे, कराए थे बट नहीं लेंगे इसमें, क्यों नहीं ऐसे नहीं लेंगे। पी इंक्लूजन, पी इंक्लूजन, पी इंक्लूजन टोपोलॉजी। उसके बाद क्या, पी एक्सक्लूजन, पी माने यहाँ पे एलिमेंट, अच्छा पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, ये वाला कराए थे देखो तो, ये सब हो गया था ना, ए एक्सक्लूजन कराए थे, ए एक्सक्लूजन नहीं कराया था ना, कोफाइनाइट को काउंटेबल, पी इंक्लूजन, पी एक्सक्लूजन, ए पी एक्सक्लूजन टोपोलॉजी। उसके बाद अब सेट ले ले, अच्छा ए सेट, ए इंक्लूजन बोलो या पी इंक्लूजन, ए पी माने कैपिटल भी होगा, मैंने ये बोला, अच्छा समझाने के लिए क्या बोला मैंने, ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। उसके बाद ए को क्या करो, अब सेट है, समझ पा रहे हो, ये सेट है, ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, ए इंक्लूजन, ए एक्सक्लूजन टोपोलॉजी, ठीक है। और क्या, अच्छा और है, और दो है, और दो है, और दो को कैसे लिखे, ऐसे कर दे क्या, रेड पेन कहाँ पे, रेड पेन, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग बहुत पढ़े हैं, यूजुअल टोपोलॉजी, और एक तो इम्पोर्टेंट है, बोल पाओगे, अरे वही तो बोल दिया, यूजुअल तो यूक्लिडियन टोपोलॉजी होता है, यूजुअल यूजुअल को यूक्लिडियन टोपोलॉजी बोलता है ना, इसको ही तो बोलते हैं यूक्लिडियन टोपोलॉजी। अच्छा और एक बोलो, मैट्रिक टोपोलॉजी, जो मैट्रिक किस पर रहे हम लोग, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेस, बोलो किसका किसका प्रूफ करा दिया है, कहाँ तक हो गया, कहाँ तक हो गया बोल लो, क्या सिर्फ इंक्लूजन टोपोलॉजी जस्ट एक एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल है, अच्छा उसको मैंने इसलिए ले नहीं लिया, सिर्फ इंक्लूजन, अच्छा सिर्फ इंक्लूजन टोपोलॉजी, सिर्फ इंक्लूजन टोपोलॉजी बनाने का प्रोसीजर क्या है, ए बोलो तो ये सिर्फ इंक्लूजन है, एक बार पूछ लेते हो, एक्स मेरे पास है ए बी सी डी, मैंने लिया एक टाउ लिया, मैंने लिखा इसमें फाइव, मैंने रखा इसमें x और मैंने यहाँ पे रखा b c d, बोलो तो सिर्फ इंक्लूजन है, एक बार सोचो, तुम लोगों के दिमाग में एक ही घुस चुका है, सर एक ही एलिमेंट होगा, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है वो ऐसा भी हो सकता है, सिर्फ सिंगलटन, तुम लोग मैं समझ गया, तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने जो दिया था एग्जाम्पल ना, तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने जो दिया था एग्जाम्पल उसमें क्या किया था, सिर्फ कोई सिंगलटन ले लिया था, सिंगलटन भी ऐसा भी हो सकता है, देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है ना, अब कोई बोल रहा है सर ये क्या टोपोलॉजी है, ये क्या सिर्फ इंक्लूजन है, ए भी सिर्फ इंक्लूजन है, ए भी सिर्फ इंक्लूजन है,
ठीक है, ये भी सिर्फ स्क्वायर है, बट ध्यान में रखना है एक ही एलिमेंट लेना है एक्स्ट्रा। फाई आर एक्स को छोड़ के क्या लेना है? फाई आर एक्स को छोड़ के एक ही एलिमेंट लेना है। कोई बोल रहा है कि सर ये क्या सिर्फ स्क्वायर है? कोई बोल रहा है कि सर ये क्या सिर्फ स्क्वायर है? ये सिर्फ स्क्वायर नहीं है सर, ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है, बट ये क्या नहीं है? सिर्फ स्क्वायर नहीं है। फाई एक्स को छोड़ के एक ही एलिमेंट होना पड़ेगा, ठीक है? तो सिर्फ स्क्वायर है। तो सुनो मेरा बात, पहले सुनो कि मैंने लास्ट क्लास में क्या कराया था? लास्ट क्लास में डिस्क्रीट टोपोलॉजी मैंने बोल दिया था। कोई बोलो डिस्क्रीट टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? फाई आर एक्स ना, फाई एक्स जो टोपोलॉजी बनाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इंडिस्क्रीट है फाई एक्स, क्या होता है? इंडिस्क्रीट, ठीक है। हाँ डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? अगर टाउ क्या हो जाए? पावर सेट ऑफ एक्स पूरा हो जाए, ठीक है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी मैंने बोला था ये, जिसमें क्या होगा? फाई विद फाई के साथ साथ क्या होगा? सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स माइनस ए इज फाइनाइट। को काउंटेबल बोला था, कॉम्प्लीमेंट काउंटेबल हो, पी इंक्लूजन बोला था, ऐसा सेट आएगा जो क्या है? फाई हो या फिर पी को कंटेन करे। अच्छा इंक्लूजन एक्सक्लूजन के लिए ना करे, तो ये सब ये हो गया था ना, ये क्या हो गया था? ये हो गया था, ये भी हो गया था, को काउंटेबल ये सब प्रूव कर दिया ना, ये सबका वेरिफिकेशन हो गया है। अच्छा सबका वेरिफिकेशन हो गया है, अब वेरिफिकेशन किसके किसके बाकी है? देखो ए इंक्लूजन का बाकी है, ए एक्सक्लूजन का बाकी है, यूजुअल टोपोलॉजी बाकी है, एंड टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स बाकी है, ठीक है। चलो हेडिंग करो क्या? ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, ए इंक्लूजन टोपोलॉजी को पहले समझा दें। टोपोलॉजी में देखना, जब तुम कॉलेज में पढ़ोगे विभिन्न डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पढ़ोगे तो लैंग्वेज का थोड़ा सा चेंजेस होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज में देखना चेंज होगा। बेस से चालू किया है, बेस भी हम लोग ही जल्दी चालू कर देंगे, बट पहले एग्जांपल देंगे उसके बाद बेस देंगे। हालांकि बेस से पहले ही नेबरहुड, उसके बाद लिमिट पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट ऐसे बोला जा सकता है, बट हम लोग भी बेस चालू कर देंगे। बट बेस को चालू करने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल चाहिए ना, तो मैं स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे दूँ, उसके बाद हम लोग भी बेस पे आ जाएंगे। बेस बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे मैं वेक्टर स्पेस में बेसिस पढ़े थे ना, बेसिस बेसिस क्या करता है? एक बेसिस से मालूम चल जाता है ना कि वो वेक्टर स्पेस कैसा है। हाँ तो वो वेक्टर स्पेस जो है वो बेसिस से जनरेट होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है। सेम बात बेस के लिए भी है, जो टोपोलॉजी है उसको रिप्रेजेंट करने का आसान तरीका होता है उसका एक सबसेट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। पर कम से कम कितना एलिमेंट से मैं क्या कर सकता हूँ? पूरा टोपोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अच्छा तो ये टॉपिक आता है, हम लोग देखेंगे टोपोलॉजी जनरेटेड बाय ए बेस या फिर बेसिस। अच्छा बेस भी बोलते हैं कोई कोई, और कोई कोई बेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो हेडिंग करो क्या? ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, ए इंक्लूजन टोपोलॉजी। यहाँ पे जो ए का बात किया गया ना, ये तुम्हारा एक सेट है, डैश दे दो, ए इंक्लूजन टोपोलॉजी, ठीक है। देखो लेट एक्स बी एन इनफाइनाइट सेट, लेट ए बी एन
आर्बिटरी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स एक इनफाइनाइट सेट है और ये क्या है बोलो तो ए एक्स का एक सबसेट है आर्बिटरी, लेट टाउ, टाउ में क्या मेंबर है देखो एक बार, टाउ में बोलता है कि एक्स का सबसेट आएगा बी, टाउ इज अ कलेक्शन ऑफ बी, जहां पे कौन सा बी, जो बी क्या कर रहा है ए को कॉन्टेन कर रहा है, और ध्यान में रखो क्या लेना पड़ेगा, फाई भी लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब मानो कि ए मेरा क्या है, मैंने बोला ए मेरे लिए, सपोज ए मेरे लिए क्या है, ए सबसेट, ए बी ये सब क्या है सेट है, एक दूसरे जन में कंटेन करेगा, मतलब ऐसा बात है मानो ए कोई ए है तो कौन सा मेरा बी आएगा, एक बी वन आएगा, एक बी टू आएगा, समझ पा रहे हो, जो ए को कंटेन करेगा या फिर जो क्या होगा फाइव होगा, ठीक है जो फाइव होगा, क्या दिखाना है मुझे, दिस इज टोपोलॉजी, देन लियो देन एक्स टाउ इज अ टोपोलॉजी, देन एक्स टाउ इज ए टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है टोपोलॉजिकल स्पेस, देन एक्स टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, वेरिफिकेशन लिखो, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन माने पहले बोलो तो मैं बोल सकता हूं इट इज क्लियर दैट फाई बिलोंग्स टू टाउ ना, फाइव तो टाउ में होगा ही होगा क्योंकि तो टाउ तो देखो यूनियन फाइव है, नंबर टू सिंस ए सबसेट बी, ए किसका सबसेट है बी का, अच्छा सिंस ए सबसेट बी एंड बी सबसेट एक्स ना, बोलो तो टाउ में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, टाउ में ओ भी आएगा, टाउ में क्या आएगा जो ए को कंटेन करेगा, तो एक्स तो ए को कंटेन कर रहा है, ठीक है क्लियर है बात, एक्स ए को कंटेन कर रहा है ना, टाउ में कौन आता है, टाउ में वो सब सबसेट आएगा जो क्या है, जो ए को कंटेन करेगा, अरे एक्स तो एक्स में है ही, एक्स तो एक्स में है ही, तो इसका मतलब एक्स अगर टाउ में आएगा कब आएगा, जब एक्स के अंदर क्या हो पूरा ए कंटेन करे ना, बी तब आएगा जब क्या हो बी के अंदर ए हो, तो एक्स के अंदर ए है ना, तो क्या मैं बोलूं यहां पे एक्स बिलोंग्स टू क्या टाउ, नंबर थ्री क्या करोगे, नंबर थ्री क्या करोगे, नंबर थ्री के आर्बिटरी आर्बिटरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ टाउ, तो यहां पे लिखो लेट, लेट मैंने क्या लिया बी लैम्डा, कहां से लिए टाउ से लिया, जहां पे लैम्डा क्या है बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, साइड में लिख दो लैम्डा इज इंडेक्स सेट ठीक है, देन मैं लिख सकता हूं देखो तो बी लैम्डा सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि टाउ में क्या आता है
टाउ में क्या आता है, टाउ में क्या आता है, टाउ बी लैम्डा टाउ में है, जिसका मतलब क्या होगा, बी लैम्डा सबसेट ऑफ क्या होगा, एक्स, ठीक है, सबसेट ऑफ एक्स एंड क्या, एंड ए सबसेट बी लैम्डा ना, किसके लिए होगा, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको, देखो ये बात क्लियर है सबको, मैंने क्या किया, बी लैम्डा लिया टाउ, सर आपने बी लैम्डा टाउ से लेने का मतलब लैम्डा इंडेक्स सेट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने टाउ में से आर्बिटरी मेंबर्स ले लिया। अब देखो तो बी लैम्डा का टाउ में है, तो टाउ में कौन एलिमेंट होता है, जो एक्स का सबसेट है, एंड सेकंड बात क्या है कि वो क्या होगा, वो ए को कंटेन करेगा, मतलब ये सबसेट बी लैम्डा, मुझे क्या दिखाना है इसका आर्बिटरी यूनियन, तो क्या लिखो, देयरफॉर यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू क्या इंडेक्स सेट, यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी लैम्डा क्या होगा, बोलोगे ये क्या होगा, ये सबसेट ऑफ एक्स होगा। अरे जब सभी लैम्डा के लिए, कोई भी लैम्डा लो, सबके लिए बी लैम्डा सबसेट ऑफ एक्स है, सभी यूनियन करोगे तो उसी में आएगा, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, एंड बोलो तो बी लैम्डा बी वन बी टू बी थ्री ये सब एक को कंटेन कर रहा है ना, ए बी वन बी टू सब सभी सेट में क्या है, ए है, तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज ए सबसेट ऑफ क्या, यूनियन बोलो लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी लैम्डा ना, तुम बोलोगे सर आपने कैसे लिख दिया, अरे ए सब में है, तो जब सब में है तो यूनियन में नहीं होगा, होगा तो ठीक है, बोलो क्लियर है बात, नहीं समझ पाए क्या, इसको बोल देते हैं, ए मुझे बोलो, मुझे बोलो, यहाँ पे देखो, अब मैं राफ कर रहा हूँ, मैंने बोला बी वन एक्स में है, बी टू एक्स में है, बी थ्री एक्स में है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये सब का यूनियन करोगे तो एक्स में आएगा ना, अच्छा यहाँ पे देखो ए बी वन में है, ए बी टू में है, ए बी थ्री में है, इसका मतलब क्या, अगर मैं यूनियन कर दूँ तो क्या होगा, ए सबसेट ऑफ यूनियन ना, बोलो ठीक है, ठीक है, देखो लिस्ट, देखो क्या ना, देखो एंड, ए बोलोगे ये दो से क्या लगता है, ये दोनों को देखो तो आर्बिटरी यूनियन ऑफ क्या, दिस इज आर्बिटरी यूनियन ऑफ आर्बिटरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टाउ, आर्बिटरी यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ, एंड क्या है वो सब क्या है, आर्बिटरी यूनियन क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ए को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ में आएगा, टाउ में आने के लिए क्या चाहिए, टाउ में एलिमेंट तभी आ सकता है जब वो एलिमेंट क्या हो, एक्स का सबसेट हो, दूसरा बात क्या है वो ए को कंटेन करे, अच्छा वो ए को कंटेन करे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर या फिर हेंस, हेंस यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी लैम्डा बिलोंग्स टू क्या, टाउ, तो दस टाउ इज क्लोज अंडर, दस टाउ इज क्लोज अंडर क्या, क्लोज अंडर आर्बिटरी यूनियन, टाउ इज क्लोज अंडर क्या, आर्बिटरी यूनियन, नंबर फोर क्या करे तो बोलो, तो अब फाइनाइट क्या लोगे, तो देखो लेट लेट बी सफिक्स में आई बिलोंग्स टू टाउ, जहां पे आई है वन टू से लेके एन तक फाइनाइट, अच्छा देन बोलो तो मैं लिख सकता हूं, अगर बी आई टाउ में है तो इसका मतलब क्या होगा, बी आई इज ए सबसेट ऑफ टाउ, सॉरी सबसेट ऑफ एक्स, बी आई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, एंड क्या, एंड ए
सबसेट भी आए ना, ये किसके लिए होगा, I, 1, 2, 3 and so on n. बोले डेफिनेशन से लिखा है ना मैंने क्या लिखा है कि कोई एलिमेंट अगर टाउ में है कि यहाँ पे bi मैंने टाउ में से लिया है, क्या कितना लिया है बोलो, तो n को ना फाइनाइट एलिमेंट लिया है, कहाँ से, टाउ से. मैं दिखाऊंगा क्या, मैं दिखाऊंगा I equal to 1 to n bi, this also belongs to क्या, टाउ. तो बोलो ये टाउ में कब आएगा, ये टाउ में कब आएगा सर, ये टाउ में तब आएगा जब ये i इक्वल टू 1 टू an bi सबसेट ऑफ x होगा, एंड क्या कि a को ये कंटेन करेगा, जब ये क्या करेगा, a को कंटेन करेगा, ठीक है. लिखो तो क्या लिखोगे यहां से, बोलो तो मैं अगर इंटरसेक्शन लूं b1 x में है, b2 भी x में है, b3 भी x में है, तो मैं बोल सकता हूं इंटरसेक्शन क्या होगा, वो भी x में है. मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, i, मैं यहां से बोल सकता हूं कि I 1 to n b i क्या होगा, सबसेट ऑफ x, ठीक है. तो एक बात देखो, तो a b1 में है, a b2 में है, तो a b1 में है, a b2 में है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि इंटरसेक्शन कहां पे होगा, ए कंटेन करेगा, यहाँ पे लिखो एंड ए इज ए सबसेट ऑफ क्या, इंटरसेक्शन वन टू ए बी आई ना, बोलो ठीक है, ठीक है. तो बोलो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ए टाउ में होगा ना, ए एलिमेंट कहाँ पे होगा, इंटरसेक्शन आई इक्वल टू वन टू ए एन bi belongs to क्या, tau. तो बोलो चारों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना, x, phi दोनों tau में है, arbitrary union of members of tau is also a member of tau, and यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि finite intersection of members of tau is also a member of tau. तो ये चारों से क्या बोल सकते हो, ये चारों से क्या बोल सकते हो, tau is closed. तो सर ये यहाँ पे लिखो तो therefore tau is क्या, क्लोज अंडर क्या, अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन. तो लिखो hence tau is topology, hence tau is a topology in X and x tau is a topological space क्या बोलो, tau is closed, मैंने closed का मतलब क्या है, जैसे पढ़े थे ना ग्रुप में आप लोग पढ़ते थे ना, ए भी कोई भी दो एलिमेंट लो उसका कंपोजिशन करोगे तो वहीं पे आ जाएगा, उसको तो क्लोज बोलते हैं ना. ग्रुप में आप लोग क्या पढ़े थे, जैसे एन प्लस नेचुरल नंबर एडिशन के अंडर में क्लोज होता है ना, कोई भी दो नेचुरल नंबर अगर लोगे तो उसको जोड़ने में नेचुरल नंबर ही मिलता है ना, उस हिसाब से क्लोज बोल रहा है, ठीक है. हाँ यहाँ पे एग्जाम्पल लोगे तो कैसे होगा, देखो इसमें एग्जाम्पल लेना है, देखो कैसे लोगे, मानो के मैंने हाँ जैसे यहाँ पे मैंने एक टाउ लिया, सॉरी एक्स लिया मैंने, अच्छा ए बी सी, ठीक है ए बी सी, मैंने एक सेट लिया ए, मैंने ये सेट ले लिया सपोज सिंगलटन सेट ए, बोलोगे तो टाउ क्या होगा, सिर्फ ए को रख के बना दो, हाई ले लो ए को रख के बनाओगे तो एक्स तो आएगा, आएगा ना एक्स तो आएगा, फाइव भी आएगा ना, फाइव तो लेना ही पड़ेगा तुमको, और क्या करोगे ए को रख के बनाना, अच्छा सिर्फ ए लो और ए भी लो, ए सी लोगे ना, ए सी भी लो,
और क्या लोगे? और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो कोई क्या किया है? मैंने बोला कि एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, इसमें तीन टू एलिमेंट है और ए इसका एक सबसेट है ना। ए क्या है? उसका सबसेट है तो एक्स का। अब तुम ऐसा टोपोलॉजी बनाओ, सिर्फ ध्यान में क्या रखना, सिर्फ इसको क्या करना है, क्या रहना चाहिए बोलो तो, वो सब सबसेट रहना चाहिए जिसमें क्या हो, ए कॉन्टेक्ट करे कैपिटल ए। कैपिटल ए में क्या है? सिंगल टच से लेना तो एक्स, बोलो फाई, फाई तो लेना ही पड़ेगा ना, फाई तो अलग से था, और कैपिटल एक्स जो है उसमें ए है तो देखो ए इज ए सबसेट ऑफ, मैं लिख नहीं सकता हूँ, ए ए था तो सबसेट ऑफ क्या है, ए बी सी, मैं लिख सकता हूँ ना, ए बी ए इज ए क्या करना है, सॉरी ए इज ए सबसेट ऑफ क्या, ए बी ए इज ए सबसेट ऑफ ए सी। क्लियर है? तो ये सब क्या होगा, टाउ में आ जाएगा। टाउ में आने के लिए क्या चाहिए? टाउ में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक्स का सबसेट होना पड़ेगा एंड क्या, वो ए को कंटेन करे, ए को क्या करे, कंटेन करे। ठीक है, बोल कर पाओगे? नेक्स्ट ले आओ, नेक्स्ट ले आओ। ए एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी, क्या लिखे हो? लिखो, हेडिंग करो, ए एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी, ए एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी। ठीक है, ए एक्सक्लूसिव टोपोलॉजी। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक्स को ये नॉन एम्प्टी सेट लो, ठीक है, लेट ए, लेट कैपिटल ए बी ए आर्बिट्री सबसेट ऑफ क्या, सबसेट ऑफ एक्स। तो देखो देन देन टाउ, टाउ के अंदर क्या है, टाउ के अंदर वो सब बी है जो क्या है, जो एक्स का सबसेट है एंड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी करोगे ना तो फाई मिलेगा, एक्सक्लूजन है ना, यूनियन किसका लेना पड़ेगा, एक्स को, एक्स को यूनियन में लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स को यूनियन में लेना पड़ेगा, बोलो ठीक है, एक्स को यूनियन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बात है बोलो तो, एक्सक्लूजन टोपोलॉजी तुमको बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूजन टोपोलॉजी में क्या बात है, जैसे मैं एक बात समझाऊं कि अगर मैंने बोला कि एक सेट है
ए बी सी, हर एक टाइम ए बी सी या ए बी से काम करना। जितना छोटा लोगे तो क्या होगा, तुमको काम करने में आसानी होगा। अब मैंने क्या किया, एक ए लिया, ए क्या लिया मैंने, बी लिया सब। अच्छा बोलो तो मुझे क्या करना है, ऐसा सेट लेना है एक्स का सबसेट जो ए के साथ इंटरसेक्शन क्या दे, फाई दे। तो पहले मुझे बोलो तो मैं टाउ एक बनाना चाह रहा हूँ, तो पहले तो यहाँ पे फाई आएगा, क्योंकि फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करोगे तो फाई देगा, एक्स आएगा, क्यू एक्स क्यू आएगा, हाँ यूनियन में है, एक्स चलाएगा सर, ए ए ले लो, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन, ए सी सी ले लो, ए सी होगा और ये भी नहीं होगा, यही ना। बोलो ये जो टाव है इस टोपोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एक्सक्लूजन, कैपिटल ए एक्सक्लूजन है, माने कैपिटल ए जो है इसका मेंबर्स क्या है, टाव में बिलोंग नहीं कर रहा है, बट एक्स में तो है। तुम बोलोगे सर एक्स में है, क्यों आप इसको क्यों लिया, इसको नहीं लोगे तो कैसे बनोगे। सिंपल सा बात है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ए क्या है, ए क्या है यहाँ पे सिंगल सेल बी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टॉपोलॉजी बनाना पड़ेगा किस हिसाब से, सच दैट के टॉपोलॉजी होने के लिए क्या चाहिए मुझे, फाई आर एक्स का तो मुझे रिक्वायरमेंट होगा ही, तो फाई एक्स ये दोनों आए मुझे ऐसा कंडीशन बना के रखना है। सर आपने अब तक जितना सारा एग्जांपल किया था वहां पे फाई लिए थे यहाँ पे, बट यहाँ पे फाई लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि फाई तो ऑलवेज आ जाएगा, क्योंकि कोई भी सेट अगर लोगे तो उसके साथ इंटरसेक्शन क्या देगा, फाई का इंटरसेक्शन फाई होगा, तो फाई तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक्स, एक्स मिलने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्स मिलने के लिए बोलो तो एक्स तो आएगा नहीं, इस डेफिनेशन को देखोगे तो एक्स आएगा, क्योंकि एक्स के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करोगे वो तो यूनिवर्सल है, वही दे देगा, तो एक्सक्लूजन कैसे होगा। इस चीज को हटाने के लिए क्या किया गया, तो उसके लिए बोला गया कि देखो एक्स तुम्हारे लिए बात नहीं है, तुमको मैंने अलग से रखा है, अच्छा डेफिनेशन नहीं तो होल्ड नहीं होगा, ठीक है। अगर तो देन क्या बोलोगे, देन देन टाउ इज अ टॉपोलॉजी ऑन एक्स, वेरिफिकेशन कर देता जल्दी से देखो, वेरिफिकेशन बोलो, मैं अगर बी इंटरसेक्शन फाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, फाई मिलेगा, बी इंटरसेक्शन फाई फाई मिला, तो इस हिसाब से हाँ बी इंटरसेक्शन फाई फाई एंड क्या लिख सकते हैं फाई, इसका मतलब फाई क्या होगा, फाई जब मेंबर ऑफ टाउ, ठीक है। तो ठीक है नंबर टू, एक्स तो टाउ में होगा ही होगा ना, एक्स बिलोंग्स टू टाउ बाय डेफिनेशन। नंबर थ्री, लेट ए अल्फा बिलोंग्स टू क्या, टाउ, अल्फा बिलोंग्स टू क्या, अच्छा लैम्डा, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है किसका, आर्बिटरी इंटरसेक्शन, तो सॉरी यूनियन, सॉरी यूनियन, तो यूनियन क्या, ए अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू क्या, इंडेक्स सेट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या करोगे, यूनियन क्या है ए अल्फा, तो बोलो तो यूनियन एक्स भी आ सकता है,
इफ दिस इज एक्स, अब एक्स अगर है वो तो टाउ में है ही ना, ठीक है। तो इफ यूनियन ए अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ए अल्फा क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होगा, ये तो गारंटी है कि उसमें से माने कोई भी एक्स नहीं होगा ना। तो इस जगह को मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इंप्लाई इफ दिस इंप्लाई क्या करेगा, ए अल्फा इज नॉट इक्वल टू एक्स फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ना। बोलो ये बात क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है, क्लियर नहीं है। मैंने क्या बोला, ए अल्फा का आर्बिटरी यूनियन, आर्बिटरी यूनियन टोटल का यूनियन करके ही एक्स नहीं आ रहा है, दस टू सेट का यूनियन करके ही वो टोटल नहीं आ रहा है, तो सेपरेटली कैसे एक्स होगा। एंड ए अल्फा कहाँ पे है, बिलोंग्स टू टाउ, तो ये अल्फा का टाउ में है, टाउ में होने के लिए क्या बात है, यहां से बोल सकता हूं ए अल्फा इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बोलो तो क्यों, ए ही तो ए ना, ए ना, ठीक है तो है, ए ए इंक्लूसन है ना, तो ए एक्सक्लूसन है, तो क्या होगा ए अल्फा के साथ ए का, ठीक है, मुझे एक बात बोलो, ए एक्सक्लूसन का मतलब क्या है, वो सब सेट आएगा जिसके साथ ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाइव, तो बोलो तो ए अल्फा टाउ में है, ए अल्फा टाउ में है इसका मतलब क्या है, ए अल्फा टाउ में है इसका मतलब क्या है, ए अल्फा के साथ ए का, बी टाउ में बी है इसका मतलब क्या है, बी के साथ ए का इंटरसेक्शन फाइव है, तो ए अल्फा टाउ में है इसका मतलब ए अल्फा इंटरसेक्शन ए क्या होगा, फाइव, ठीक है, समझ पा रहे हो। देखो ये सब नोटेशन नोटेशनल चीज है, मैं कंफर्म दे सकता हूँ दिक्कत हो रहा है, अगर तुमको दिक्कत नहीं हो रहा है तो तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है दिमाग में। सर नहीं सर, मैं तो एकदम बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, समझ पाओगे बट थोड़ा थोड़ा दिक्कत फील होगा, क्योंकि लैंग्वेज में क्या चल रहा है, सापेक्ष चेंज हो रहा है ना, और जब कोई चीज जनरल चलता है ना तो चीज में दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है, ठीक है। वन प्लस टू प्लस थ्री ऐसे जब दोगे ना तो ठीक है, बट उसको जब क्या करे घुमा फिरा के थोड़ा सा टर्म इन्फाइनाइट कर देना तब दिक्कत होता है। यहाँ पे क्या हुआ है बोलो तो, अब दो तीन के बारे में नहीं चल रहा है, आर्बिटरी चल रहा है, तो आर्बिटरी में क्या हो रहा है, नोटेशनल चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो जस्ट सिम्बोलिकली थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, रियल में इतना सिंबल नहीं आता था, रियल में एक ही बात होता था, ओपन सेट तो अब चलता लगा, ठीक है। तो यहाँ बोलो ए अल्फा इंटरसेक्ट ए एज फाइव, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या बोलो, मुझे क्या दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है इसका यूनियन ना, तो इसका मतलब मुझे क्या दिखाना है, मुझे इसके साथ ए का इंटरसेक्शन क्या दिखाना है, फाइव दिखाना है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग इसको रखो, यहाँ पे क्या लिखो, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ना, बोलो क्या करना है, मुझे क्या दिखाना है, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए अल्फा, ए बोलो बात, और बात सुनो, इसके साथ किसका यूनियन दिखाना है, इंटरसेक्शन दिखाना है किसका, ए का ना, ए रुको तुम लोग रुको, देखो देखो यहाँ पे क्या दिखाना है, बोलोगे क्या होगा, इस इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो ये क्या होगा, ये क्या होगा, जानते हो ये ऐसा कुछ होगा क्या, इंडेक्स सेट देख लो एक बार, ए अल्फा इंटरसेक्शन ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बोलो तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ए अल्फा इंटरसेक्शन ए क्या है, फाइव, फॉर ऑल अल्फा के लिए है ना ये, तो दैट मींस ये क्या होगा, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ये क्या होगा, फाइव, तो फाइव का यूनियन करोगे तो क्या होगा, फाइव, तो बोलो क्या आया, ए के साथ इंटरसेक्शन क्या है इसका, यहाँ पे क्या लिखो, दिस अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ए अल्फा बिलोंग्स टू क्या, टाउ, बिलोंग्स टू टाउ, नंबर थ्री, नंबर फोर, मैथ लेट ए
A1 A2 belongs to tau, ए दो दो के लिए कर सकता हूँ ना फाइनाइट या दो एक ही बात है। अच्छा दोनों एक ही चीज होता है जो भी करो बोलो। तो मैंने A1 का वैल्यू अगर x लिया और A2 का वैल्यू मैंने x लिया तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा x आएगा जो टाउ में है ना, कोई दिक्कत नहीं है ये तो होगा। बट कोई मुझे बोल सकता है कि सर A1 मैंने x लिया, A1 मैंने क्या लिया x और A2 मैंने क्या लिया नॉट इक्वल टू x, कोई मुझे बोलोगे A1 इंटरसेक्शन ये क्या आएगा A2 इंटर क्या इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 नहीं। यहाँ पे बात समझो, यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ A1 A2 टाउ का मेंबर है ना, टाउ का अगर मेंबर है तो A1 मैंने x लिया, A2 मैंने क्या लिया x, तो A2 इंटरसेक्शन ये क्या होगा बोलो तो पाई होगा क्योंकि A2 तो टाउ का मेंबर है। ठीक है बोलो, ठीक है। ए तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? सर मैं दिखाना चाह रहा हूँ A1 इंटरसेक्शन A2 कहाँ पे आ जाए, टाउ में। बोलो तो ये टाउ में कब आएगा? सर ये टाउ में तब आएगा जब A1 इंटरसेक्शन A2 के साथ A का इंटरसेक्शन क्या होगा, A का इंटरसेक्शन फाई होगा ना। जब ये फाई होगा तभी तो आएगा ना, क्योंकि B कब आता है टाउ में, B कब आता है सर टाउ में, B तब आएगा जब A इंटरसेक्शन B क्या होगा फाई होगा। ठीक है तो ठीक है, तो मुझे दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है A1 इंटरसेक्शन A2 के साथ A का इंटरसेक्शन क्या दिखाना है फाई दिखाना है। ठीक है तो लिखो तो A इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ तो अच्छा हाँ A1 एक यूनिवर्सल सेट है यहाँ पे, A1 यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, A1 इज ए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन करोगे वही आ जाएगा, ए आ जाएगा जो सेट ए, तो ए इंटरसेक्शन A2। अब मुझे क्या मालूम है ए इंटरसेक्शन A2, ऐसे बोलो। अच्छा तब ठीक है, अब जो बात है A1 को भी मैंने एक्स नहीं लिया और किसको बोलो तो A2 को भी एक्स नहीं लिया, बोलोगे यहाँ सब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा A1 इंटरसेक्शन ए क्या होगा फाई और A2 इंटरसेक्शन ए क्या होगा फाई। अब क्या करना है ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 बोलोगे क्या होगा, ब्रैकेट चेंज करोगे तो क्या आएगा ए इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होगा फाई इंटरसेक्शन A2 AB5। तो क्या आ रहा है A के साथ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आया, A के साथ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आया बोलो, अरे A के साथ A1 इंटरसेक्शन A2 क्या आया फाई। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूं, देयरफॉर A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होगा बिलोंग्स टू फाई ना, सॉरी बिलोंग्स टू क्या, बिलोंग्स टू टाउ। तो लिखो देयरफॉर hence x tau is a topological space, x क्या ले लो a b ठीक है, किसका एक्सक्लूजन चाहिए a का चाहिए ना, a मानो मैंने लिया a b, सपोज a b लिया। अच्छा एक काम करे तो सी नहीं करे, सपोज मैंने डी दिया, बोलोगे इसका एक्सक्लूजन क्या होगा टाउ में क्या आएगा, ध्यान में रखना वो सभी भी आएगा जिसके साथ इसका इंटरसेक्शन क्या होगा फाई। पहले क्या ले लो पहले फाई को भी ले लो और एक्स को भी ले लो ना, इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाइए फाई, इसके साथ इंटरसेक्शन फाई आएगा तो बोलो तो सी ले लो डी ले लो और क्या सी डी और कुछ होगा, और कुछ होगा नहीं, और नहीं होगा क्योंकि ए बी को लेने जाओगे तो इंटरसेक्शन क्या नहीं होगा फाई नहीं होगा। क्लियर है बोलो बोलो ठीक है। तो अब सुनो ये हेडिंग करो, नेक्स्ट हेडिंग करो क्या, यूजुअल टोपोलॉजी
ठीक है, क्या रीड कर रहे हो? यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी, मैट्रिक टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी बोल देंगे तो यहाँ पे मेरा ये काम हो जाएगा। यूजुअल टोपोलॉजी ऐसे लिखो तो लेट, लिखो लेट लेट टाउ सफिक्स में यू, टाउ सफिक्स में क्या यू, टाउ यू कॉन्सिस्ट, कॉन्सिस्ट ऑफ फाई, टाउ में क्या है फाई है, एंड ऑल दोज सबसेट, एंड ऑल दोज सबसेट्स कैपिटल ए ऑफ आर, टाउ यू में क्या है फाई है, और ऑल दो सबसेट ऑफ कैपिटल ए ऑफ आर हैविंग क्या, हैविंग द प्रॉपर्टी, आओ ऑल दो सबसेट्स, हाँ एंड दो ही लिखा है सर, टाउ यू कंसिस्ट, ओ एंड दो लिखा है क्या, हाँ एंड ऑल, ठीक है ऑल दो लिखा है, ऑल दो सबसेट्स ए ऑफ आर हैविंग द प्रॉपर्टी that having the property that each x belongs to a, माने अगर कोई सबसेट आएगा तो उसके हर एक पॉइंट के लिए क्या होना पड़ेगा, एक एप्साइलन मिलना चाहिए, such that क्या, such that x minus epsilon x plus epsilon, ये कहाँ पे हो, ये तुम्हारा ए पे हो, देन टाउ यू इज अ टोपोलॉजी फॉर आर, आर के लिए टोपोलॉजी बोलेंगे इसको, टाउ यू को टोपोलॉजी फॉर आर called the usual topology, इसको क्या बोलेंगे usual topology, इसको और में कैसे लिखते हैं, तो short 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 end, और क्या tau, और सुनो tau u में क्या है, tau u में क्या है, tau u में phi है, टाउ यू में क्या है, फाई है, अच्छा अच्छा एन क्या है, यूनियन लिखो, फाई है एन क्या है, यूनियन कलेक्शन ऑफ दोज सबसेट्स ऑफ आर, माने ए है जो क्या है आर का सबसेट है, ठीक है, तो सच दैट क्या, अगर x a में है, for all x belongs to a, क्या मिलना चाहिए, there exist एक epsilon मिलना चाहिए, such that क्या, such that x minus epsilon x plus epsilon is subset क्या, subset a, ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, तो ये जो टाउ यू है ये क्या है,
टॉपोलॉजी है, टाओ यू है जो टॉपोलॉजी है। बोलो तो यहाँ पे जो टाओ यू का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस हिसाब से क्या गया है? बोल रहा है कि टाओ यू में कोई सेट तभी आएगा अगर वो फाई हो, या फिर अगर उसको टाओ यू में आना है तो से एक सेट है ना, बोलो ये किसका सबसेट है? आर का। तो आर का सबसेट है तो यहाँ पे रियल नंबर है ना। अभी रियल नंबर के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी सेट कुछ भी, अभी सेट नंबर चल रहा है। अभी आर के बारे में बोल रहे हैं ना, सेट क्या है? नंबर है। तो मैं यहाँ पे नंबर हो सकता हूँ, तो आर के अंदर जो एलिमेंट्स है वो नंबर्स है। तो क्या बोल रहा है कि हर एक नंबर्स के लिए, सभी नंबर्स के लिए क्या मिलना चाहिए? सभी नंबर के लिए क्या मिलना चाहिए? फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए क्या मिलना चाहिए? हर एक के लिए क्या मिलना चाहिए? एप्सिलॉन मिलना चाहिए। सच दैट क्या, सच दैट क्या, उसको लेके तुम एक ओपन इंटरवल बनाओ और ओपन इंटरवल फुल्ली कहां पे कंटेन कर जाए। अच्छा वो बोलेगा सर तो ये तो डेफिनेशन किसका हो गया? बोलोगे रियलाइज में किसका डेफिनेशन है? एक सेट को हम लोग एक्स का नेबरहुड कब बोलेंगे? जब उसको लेके एक ओपन इंटरवल मिले। अच्छा ठीक है, तो हाँ असल में क्या है रियल एक्सिस में हम लोग जो नेबरहुड पढ़े थे, टाउ यू में क्या है? फाई विथ नेबरहुड ना, ठीक है ठीक है। बोलो ए, एक काम करते हैं, देखो क्या बोला है। टाउ यू क्या है? टाउ यू कंसिस्ट फाई ऑल दो सबसेट्स ऑफ आर जिसमें क्या प्रॉपर्टी है, तुम जो सेट लोगे उसके हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलेगा? ऑलिजिक एप्सिलॉन मिलेगा। जिस एप्सिलॉन को लेके ओपन इंटरवल बनाओगे ना तो वो उसका सबसेट होगा। अगर ऐसा बात नहीं होता है तो वो ए क्या नहीं कर पाएगा। अब कोई मुझे पूछ रहा है सर एक सेट इसमें कब नहीं आएगा, एक सेट इसमें कब नहीं आएगा, एक सेट उसमें तब नहीं आएगा, कम से कम अगर उस सेट में एक एलिमेंट मिल जाए, अगर उसमें एक एलिमेंट मिल जाए जिसके लिए कोई भी एप्सिलॉन लो, फॉरऑल एप्सिलॉन क्या हो रहा है? फॉरऑल एप्सिलॉन क्या हो रहा है? बोलो फॉरऑल एप्सिलॉन के लिए क्या हो रहा है? वो क्या नहीं हो रहा है? बाहर चला जा रहा है। जैसे मुझे एक बात बोलो तो मैं तुम लोगों को एक बात पूछ रहा हूँ। एक सेट मैंने लिया 1 2 3 4 5, एक क्या टाउ यू में आएगा? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? कारण तुमने इसका एक एलिमेंट लिया, मानो 3 लिया, 3 माइनस एप्सिलॉन करोगे, 3 प्लस एप्सिलॉन करोगे तो 3 प्लस एप्सिलॉन है। अच्छा तो बोलो तो ये क्या सबसेट ऑफ क्या होगा? ए होगा सर, ए के सबसेट ऑफ ए होगा। ये क्या है यहाँ पे? हाँ कभी नहीं होगा। हाँ बोलो ईच एप्सिलॉन के लिए नहीं होगा। अरे कोई भी नंबर को लेके जब तुम ओपन इंटरवल बनाते हो तो इसमें कितना पॉइंट आता है? अनकाउंटेबल इनफाइनाइट ना। अनकाउंटेबल क्या आता है? इनफाइनाइट। और इसमें पॉइंट्स कितना है? फाइनाइट। तो इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का सबसेट कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि सेट तुम्हारा टाइम में नहीं आएगा। ठीक है इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है बोल दो, मुझे क्या दिखाना है पहले के फाई आर क्या? फाई और एक्स। एक्स माने यहाँ पे क्या है? आर। तो आर है तो लिखो लिखो वी विल प्रूव दैट टाउ यू इज ए टॉपोलॉजी ऑन आर। गिवन फाइव बिलोंग्स टू टाउ यू, ठीक है नंबर वन। नंबर टू क्या? देखो आर बिलोंग्स टू टाउ, तुम बोले क्यों सर? कारण लिखो सिंस फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर
और ईच एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स माइनस वन सुनो एक्स प्लस वन सबसेट ऑफ आर ना मैंने एप्सिलॉन वन ले लिया लिख सकता हूँ बोलो बोलो फॉर ईच एक्स आर एप्सिलॉन का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ बोल दो वन ना बोलो ठीक है क्लियर नहीं हो रहा है एप्सिलॉन का रोल कौन प्ले कर रहा है वन तो मुझे एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए मैंने देखा दिया तुम बोलो सर एक के लिए क्या हर एक के लिए होगा ना ये बात हर एक के लिए होगा तो कैसे होगा हर एक के लिए बोलो तो ये बात हर एक के लिए कैसा होगा आर है आर है यहाँ पे कहीं पे एक्स लोगे तुम एक्स माइनस वन लोगे एक्स प्लस वन लोगे तो एक पूरा कहाँ पे आएगा रियल लाइन में आएगा ना इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ना एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन ये क्या होगा सबसेट ऑफ आर होगा सबसेट ऑफ आर होगा बोलो ठीक है तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया ना दो अब दूसरा वाला क्या करना है नंबर थ्री देखो लेट लेट जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू क्या इंडेक्स सेट बी ए आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर बी ए आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ क्या टाउ बी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ क्या टाउ यू ठीक है एंड एंड एक्स काम करो एक्स कहां से लो एक्स ले लो यूनियन जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ठीक है तो ठीक है बोलो अब क्या करना है बोलो तो एक्स अगर यूनियन में है तो मैं क्या लिख सकता हूं फॉर सम के लिए होगा ना मैं लिख सकता हूं कि यूनियन में अगर है तो देन एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बोलो बोले ठीक है बोलो तुम क्या तुमको क्या दिखाना है सर मुझे दिखाना है कि यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टाउ यू क्या होगा वो तुम्हारा टाउ का मेंबर होगा ना तो ये मेरा ये मुझे क्या दिखाना है इसको मुझे दिखाना है कि टाउ का मेंबर बोलो तो ये टाउ का मेंबर कब होगा सर कोई कोई सेट टाउ में कब आता है अगर उसका कोई भी एक पॉइंट लेते हो अगर उस पर कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसके लिए क्या मिलना चाहिए एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए बोलो ए कब टाउ में आएगा ए टाउ में कब आएगा जब ए के हर एक पॉइंट के लिए क्या मिलना चाहिए एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए साथ दैट उस पॉइंट को लेके एक तुम क्या मिलेगा ओपन इंटरवल जो पूरा ए में कंटेन होगा तो मुझे क्या दिखाना है इस एक्स को कंटेन करके क्या मिलेगा एक एप्सिलॉन मिलेगा तो लिखो बोलो जी लैम्डा कहाँ पे सीन्स जी लैम्डा कहाँ पे है टाउ यू पे है ना देयर एग्जिस्ट टाउ यू पे है तो इसका मतलब क्या मिलेगा एप्सिलॉन मिलेगा तो पॉजिटिव मिलेगा साथ क्या एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या जी लैम्डा क्योंकि डेफिनेशन है और कुछ नहीं है बोलो सुनो मेरा बात जी लैम्डा टाउ में था और कोई मेंबर अगर टाउ में है उसका मतलब उसके हर एक पॉइंट के लिए क्या मिलेगा एप्सिलॉन मिलेगा हर एक पॉइंट के लिए क्या मिलेगा एप्सिलॉन ऐसे मिलेगा बोलो एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट ऑफ क्या है जी लैम्डा तो बोलो तो ये अगर जी लैम्डा का सबसेट है तो इसका यूनियन का भी होगा ना
बोलो, मैं यहां से लिख सकता हूं कि देन x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये क्या होगा, सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ क्या, g लैम्डा। आई का वैल्यू क्या है, 1 2 7 फॉर ऑल x प्लस g लैम्डा। कहां पे इसे ऊपर दे रहे हैं, इस पे कॉल और x प्लस g लैम्डा से कहां पे बोलो तो मेरे जी सर की या फिर ऐसे लिखो इंडेक्स सेट जी लैम्डा, वो लैम्डा लिया ना लैम्डा करो, क्या बोल रहे हो जी लैम्डा, जी लैम्डा ठीक है, बोलो क्या बोल रहे हो जी लैम्डा के बाद फॉर ऑल एक्स लैम्डा और लैम्डा के लिए, इसके लिए सच दैट दिस देन दिस, हां फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है बोलो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे सब के लिए होगा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ देयरफॉर ये क्या हो गया प्रूफ, बोलो तो देखो तो नंबर थ्री हो गया ना, नंबर थ्री हो गया तो नंबर फोर, नंबर फोर, वन टू थ्री उसके बाद फोर ये लिख दिया ना, नंबर फोर और में क्या करो, क्या किए थे देखो तो लेट जी वन जी टू दो ले ले, अच्छा बिलोंग्स टू टाओ यू, टाओ यू में दो में ले लिया मैंने, अब केस वन देखो क्या होगा, केस वन मैंने ए मानो के दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन फाइव, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है फाइव, तो जी वन इंटरसेक्शन जी टू क्या है फाइव, अब मैं यहां से बोल सकता हूं ना देयर इज नथिंग टू प्रूफ, क्यों नहीं प्रूफ करना है, तो था ही टाओ में फाई है, सेंस फाई बिलोंग्स टू क्या है टाओ, हाँ फाई टाओ में है, केस टू, केस टू में क्या करना पड़ेगा, इफ G1 intersection G2 is not equal to 5. तो काम करो, एक एलिमेंट X ले लो G1 intersection G2 में, तो यहां से बोलो तो क्या होगा, X belongs to G1 and क्या and है, मैंने दोनों में G1 में भी है, कहां पे भी है
जी टू में भी है। एक्स जी वन में है, एक्स जी टू में है। और जी वन जी टू किसका मेंबर था? टाउ टू यू का ना। ए बोलो तो, अगर कोई टाउ यू का मेंबर है और उस सेट में जी वन टाउ यू में है और जी टू भी टाउ यू में है, तो इसका मतलब एक्स अगर जी वन में है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन। तो इसके लिए काम करो, इसके लिए एप्सिलॉन बोल दो और इसके लिए एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू। देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन वन बिलोंग्स टू एप्सिलॉन वन ग्रेटर देन जीरो एंड क्या एप्सिलॉन टू ग्रेटर देन जीरो। सच दैट क्या, सच दैट एक्स माइनस एप्सिलॉन वन एक्स प्लस एप्सिलॉन वन जो क्या है सबसेट ऑफ जी वन एंड क्या एक्स माइनस एप्सिलॉन टू एक्स प्लस एप्सिलॉन टू सबसेट ऑफ क्या सबसेट ऑफ जी टू। अब क्या करो, लेट एप्सिलॉन इज मिनिमम ऑफ क्या एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू का मिनिमम ले लो। तो देखो तो क्या होगा, मिनिमम ले लिया अच्छा, देन क्या होगा, देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन क्या मिनिमम। बोलो एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू सब क्या है पॉजिटिव ना, दो पॉजिटिव नंबर का मिनिमम क्या होगा, दो पॉजिटिव नंबर का मिनिमम क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो एप्सिलॉन भी क्या होगा पॉजिटिव, एप्सिलॉन भी क्या होगा पॉजिटिव। एंड एंड कोई मुझे बोलो तो, एक बात देखो, मानो कि मैंने बोला कि दिस इज ए एक्स, ए एप्सिलॉन वन है और ये क्या है एप्सिलॉन वन एप्सिलॉन टू, ये सब क्या है पॉजिटिव ना, तो ये सब पॉजिटिव है। और मानो कि ये मैंने क्या माना दिस इज ए एप्सिलॉन टू, तो बोलो तो यहाँ पे मिनिमम क्या आएगा एप्सिलॉन वन ना, बट ऐसा बात नहीं कि एप्सिलॉन वन ही मिनिमम आएगा, एप्सिलॉन टू भी आ सकता था बट ठीक है। देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन मिनिमम लिया है तो मिनिमम जो होगा मिनिमम वाला नेबरहुड दोनों के लिए होगा ना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन जो मिनिमम है उसके लिए क्या लिख सकता हूँ सबसे जी वन इंटरसेक्शन क्या जी वन इंटरसेक्शन जी टू, ठीक है। बोलो तो ये जो बात है किसमें होता है, कोई सेट जी वन इंटरसेक्शन जी टू में मैंने क्या लिया था, जी वन इंटरसेक्शन जी टू में मैंने क्या लिया था, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स लिया था, उस एलिमेंट के लिए मैंने क्या दिखाया कि उसके लेके एक मुझे एप्सिलॉन मिल रहा है, एक ओपन इंटरवल मिल रहा है जो फुल्ली यहाँ पे कंटेंट है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ देयरफॉर जी वन इंटरसेक्शन जी टू बिलोंग्स टू क्या टाउ यू ऑन यूजर टोपोलॉजी। तो बोलो क्या हो गया, हेंस ठीक है आर टाई हो ना ये टोपोलॉजिकल स्पेस एमआर दिस टोपोलॉजी इज नोन एज क्या यूजुअल टोपोलॉजी, यूजुअल टोपोलॉजी एंड क्या और स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और यूक्लिडियन टोपोलॉजी ऑन क्या ऑन आर टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन मैट्रिक स्पेस, टॉपोलॉजी और मैट्रिक स्पेस ठीक है, मैट्रिक स्पेस पे टॉपोलॉजी होगा अच्छा, लिखो
लेट लेट जिसको बोलते हैं मैट्रिक टोपोलॉजी, लेट एक्स बी बी एनी मैट्रिक स्पेस है, एक्स बी क्या है, एक्स बी तुम्हारा कोई भी मैट्रिक स्पेस है, डी फॉर डिस्प्लेस फंक्शन ना, मैट्रिक हम लोग किए थे तो डिस्प्लेस फंक्शन, एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है, लेट टाउ अल्फा सॉरी टाउ डी वो यूजुअल था, ये क्या है डिस्प्लेस फंक्शन के लिए, टाउ डी कॉन्सिस्ट ऑफ हाई एंड ऑल दोज एलिमेंट्स, एक टाउ डी में क्या है हाई है, ऑल दोज एलिमेंट्स है, ऑल दोज ऐसे बोलो ऑल दोज सबसेट्स, ऑल दोज सबसेट्स किसका सबसेट्स, ऑल दोज सबसेट्स जी ऑफ एक्स, जी बोलो ए बोलो कुछ भी बोलो, जी जी ऑफ एक्स हैविंग द प्रॉपर्टी, हैविंग द प्रॉपर्टी, हैविंग द प्रॉपर्टी दैट दैट टू दैट फॉर लिखो, दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू क्या जी, देयर एग्जिस्ट क्या है वहां पे ओपन इंटरवल था, अब क्या हो जानते हो ओपन स्पेयर, देयर एग्जिस्ट आर एक रेडियस पॉजिटिव नंबर मिलना चाहिए, सच दैट क्या, सच दैट ओपन स्पेयर या फिर ओपन बॉल बोलो, सच दैट ओपन स्पेयर और क्या ओपन बॉल, ओपन बॉल क्या था एस आर एक्स ना, एस आर एक्स, एस आर एक्स क्या होगा एस आर एक्स दिस सच दैट ओपन स्पेयर एस आर एक्स इज ऐसे लिखे कॉन्टेन इन जी, जी के अंदर होगा इसको और वर्सन में कैसे लिखोगे, और वर्सन लेट एक्स डी ठीक है, लेट एक्स डी बी एनी मैट्रिक स्पेस, बी एनी मैट्रिक स्पेस, एक्स डी क्या है बी एनी मैट्रिक स्पेस ठीक है, तो मुझे बोलोगे टाउ डी में क्या क्या है, सर टाउ डी में आपका जी है मैंने ऐसा ऐसा बोलो कि हाई है या फिर ऐसे लिखे देखो तो जी सबसेट ऑफ एक्स जहां पे जी क्या हो सकता है फाई, हाँ एक काम कर ऐसे लिखते हाई यूनियन क्या जी सबसेट ऑफ एक्स सबसेट क्या एक्स बिलोंग्स टू सभी एक्स के लिए ना, ए सभी एक्स के लिए तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या एस आर एक्स इज ए सबसेट ऑफ क्या जी ना, एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी बोलो, ये जो टाउटी है टाउटी है तो लोगों को बोलो तो यहाँ पे बैठे ए ठीक है तो देखो इस घर में बैठ जाओ फैन पूरा Thank you.
देखो देन टाउ डी देन टाउ डी इज ए टॉपोलॉजी, कहां पे टॉपोलॉजी है ऑन ये टॉपोलॉजी फॉर एक्स, दिस टॉपोलॉजी इज कॉल्ड this topology is called matrix topology and the pair x comma क्या tau d इसको क्या बोलेंगे is called matrix topological space, verification कर लो एक बार verification देखो क्या बोला गया है कि एक्स डी तुम्हारा क्या है, एक्स डी तुम्हारा एक मैट्रिक स्पेस है, ठीक है। टाउ डी क्या है, टाउ डी में क्या है, टाउ डी के अंदर फाई है या फिर क्या है, टाउ डी में आने के लिए क्या होना पड़ेगा, वो सब सबसेट, किसका सबसेट का नाम जी दो या फिर ये दो, एक्स का सबसेट, वो सबसेट अगर फाई है तो टाउ डी में आएगा, या फिर क्या उसको लेके तुम्हें क्या कर सकते हो, एक ओपन स्पेस बना सकते हो। माने सिंपल सा बात है ऐसा कि अगर जी में कोई पॉइंट है, मानो ये एक्स है, तो उसके लिए क्या कर सकते हो तुम, एक ओपन स्पेस बना सकते हो, दैट मींस तुमको एक आर मिलेगा। अच्छा ये एस आर एक्स क्या होगा, एस आर एक्स फुल्ली कहाँ पे कंटेन होगा, जी में कंटेन होगा। अच्छा ये फुल्ली कहाँ पे कंटेन होगा, ये मानो जी है, ठीक है। तो क्या दिखाना है तुमको, तुमको क्या दिखाना है कि दिस टाउटी इज ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स। तो बोलो तो इसको टॉपोलॉजी दिखाने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे एक्स दिखाना है टाउटी में, बोलो एक्स क्या टाउटी में है, एक्स क्या टाउटी में है, ठीक है। तो हाँ तो यहाँ पे लिखो नंबर वन, लिखो तो नंबर वन हेयर, बोलो फाई क्या है, हाउ फाई बिलोंग्स टू ना बिलोंग्स tau d तो by definition अब बोलो तो x x को अगर tau d में आना है तो क्या होना पड़ेगा, x को tau d में आना है तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल x के लिए ठीक है। तो देखो तो मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सिंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मैं बोल सकता हूं कि देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज एक आर मिलेगा, सच दैट क्या, सच दैट एक्स जो है वो एस आर एक्स में आएगा और वो एस आर एक्स क्या होगा, सबसेट ऑफ एक्स। अरे तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट एक्स है, जो तुम ओपन स्पेस बनाओगे वो तो उसमें आएगा ना, उसके बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या ले सकते हो, यहाँ से क्या बोल सकते हो, कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक ओपन स्पेस मिला जो क्या है फुल्ली एक्स में कंटेंट है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि देयरफॉर एस आर एक्स कहाँ पे है, सॉरी सॉरी देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू टाउ डी। अब क्या करोगे, लेट जी लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट बी ए कलेक्शन ऑफ
सबसेट्स ऑफ क्या बोलो तो, सबसेट्स ऑफ क्या, एक्स तो टाउटी का मेंबर लोगे तो वहां पे ऐसा लिख दो बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, टाउटी का मेंबर होने के लिए क्या चाहिए ऐसा लिख दो ना, सबसेट ऑफ एक्स सच दैट जी लैम्डा कहां पे आ रहा है, ए जी लैम्डा कहां से आ रहा है टाउटी में लिख दो, जी लैम्डा टाउटी में आ रहा है किसके लिए, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, ए समझ पा रहे मेरी बात, मैंने व्हेयर सबसेट ऑफ एक्स बोला, बट सबसेट ऑफ एक्स बोलने के साथ साथ क्या बोला है, देखो तो जी लैम्डा सबसेट टाउटी, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो मेंबर्स है ये किसका, किसका मेंबर है टाउटी का ना, व्हेयर लैम्डा बिलोंग्स टू क्या इंडेक्स सेट, बोलो आप क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, यूनियन, क्या प्रूफ करना है, यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बिलोंग्स टू क्या टाउटी ना, यही तो प्रूफ करना है ना, यही तो प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी सेट को, किसी भी सेट को अगर तुमको दिखाना है वो टाउटी में है तो इसका मतलब क्या है, उस सेट को, उस सेट के अंदर कोई भी पॉइंट अगर तुम लोगे, देखो बोलो तो जी, जी टाउटी में कब आएगा, बोला है कि जी टाउटी में तब आएगा अगर वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, जी के अंदर कोई भी एलिमेंट हो उसको लेके क्या मिले, उसको लेके एक ओपन स्क्वायर मिले, मतलब एक आर मिले, सच दैट क्या हो SRX quantity G माने SRX subset G, तो बोलो तो मुझे अगर दिखाना है कि this is subset of Taudu, तो इसका मतलब क्या चाहिए, इसके अंदर मुझे क्या करना है, एक X लेना है, सर X आप कैसे लीजिएगा arbitrary, and मैं दिखाऊंगा उस X को contain करके एक open square मिलेगा, that means उसको center करके एक R radius मिलेगा, ठीक है बोलो, मैंने X लिया कहाँ से, X कहाँ से लिया, lambda belongs to इंडेक्स सेट जी लैम्डा, बोलोगे यहां से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा, एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम क्या, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू क्या इंडेक्स सेट, ठीक है ए लैम्डा बिलोंग्स टू क्या, ठीक है यहाँ पे लिखो सिंस एक्स कहाँ पे है, जी लैम्डा पे है, फॉर सम क्या, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू दिस, बोलो कि जी लैम्डा कहाँ पे है, जी लैम्डा कहाँ पे है, जी लैम्डा है टाउडी में, टाउडी में जी लैम्डा है ना, किसके लिए है ये, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू क्या, बोलो ये बात ठीक है, सर आपने जी लैम्डा को टाउटी में कैसे ले लिया, अरे वो तो मेरा हाइपोथेसिस है, अच्छा बोलो जी लैम्डा टाउटी में है इसका मतलब क्या है, एक ओपन स्क्वायर मिलेगा ना, ठीक है तो मैं लिख सकता हूँ कि देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या, बोलो तो इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी लैम्डा अगर है, एस आर एक्स सबसेट ऑफ जी लैम्डा अगर है तो मैं लिख सकता हूँ कि यूनियन क्या होगा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा ना, अरे जब जी लैम्डा में है तो उसका यूनियन में नहीं होगा, होगा तो बोलो तो इसको मैं क्या लिखूं, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या, सच दैट एस आर एक्स सबसेट यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट जी लैम्डा, क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या होगा, यूनियन जी लैम्डा
लैम्डा बिलोंग्स टू क्या? लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बिलोंग्स टू क्या? टाउ, टाउ डी चल रहा है क्या? ठीक है, ये देखो तो, ठीक है, बोलो देखो अब क्या करना है, दो एलिमेंट ले लो साउडी में, दो एलिमेंट ले लो टाउडी में, एक पेंसिल से कर दो, ये देखो यहाँ पे क्या करना है, नंबर थ्री क्या करना है, नंबर फोर क्या है, लेट जी वन जी टू बिलोंग्स टू क्या, टाउ डी, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट जी वन इंटरसेक्शन जी टू क्या है, बिलोंग्स टू टाउ डी ना, ए इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, आइदर फाइव या नॉट इक्वल टू फाइव, ए फाइव हो गया तो हो गया ना, इफ जी वन इंटरसेक्शन जी टू इज फाइव, अरे फाइव जो है ये कहां पे है, टाउडी में तो है ही, छोड़ो इसको, लेट जी वन इंटरसेक्शन जी टू इज नॉट इक्वल टू फाइव, इफ दिस देखो लेट जी वन इंटरसेक्शन जी टू x belongs to g1 and x belongs to g2, ठीक है, बोलो बोलो, ठीक है, x कहाँ पे है, x g1 पे है and g1 क्या tau d का मेंबर नहीं है क्या, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट क्या आर वन ना, आर वन मिलेगा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट क्या एस आर वन एक्स, जिसका मैट्रिक स्पेस हो गया उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, जिसका मैट्रिक स्पेस नहीं हुआ है उसको थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा है मुझे लग रहा है, जी वन ना, उसके बाद देखो सिमिलरली बोलोगे, सिमिलरली क्या होगा, x belongs to g2 and क्या g2 belongs to क्या tau d, तो क्या होगा there exist r2 greater than 0 such that क्या s r2 x is subset क्या g2, अब क्या करोगे, लेट आर इज मीन ऑफ आर वन आर टू, तो यहां से क्या आएगा, देन देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट क्या मिनिमम है ना, तो मिनिमम में तुम क्या कर सकते हो, एस ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, एस आर वन एक्स, मिनिमम लिया है मैंने, अच्छा एस आर वन एक्स इंटरसेक्शन, तो एक काम करते हैं मिनिमम जब ले लिया है एक बार लिखते ना, एस आर एक्स क्या होगा सबसेट जी वन इंटरसेक्शन जी टू, ठीक है, इससे क्या मालूम चल रहा है, जी वन क्या मालूम चल रहा है, जी वन इंटरसेक्शन जी टू क्या है, बिलोंग्स टू टाउ डी ना, बिलोंग्स टू टाउ डी,
क्या बोलो ये वाला यहाँ पे आर साजदट यहाँ पे एक्स आर्बिटरी है ना, इसीलिए मैंने जो एक्स लिया है ना ये आर्बिटरी है, इसलिए कर रहा हूँ बार बार मेंशन का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया लिखो, यहाँ पे लिख दो n x tau d is a curl space, x tau d is a topological space। ठीक है, कितना जन है अभी लाइव? चले चलो, आदित्य भारती समझ पा रहे हो? और क्या बोलते हैं कि सदीक सादिक समझ पा रहे हो ना? शकलीन हाँ सर, मोहसिना हाँ सर, पिक्चर क्लियरिटी आ रहा है, तुम लोग देख पा रहे हो बोर्ड ठीक ठाक से? हाँ हाँ सर। साउंड का कोई इशू? साउंड का कोई इशू है ना? साउंड का नहीं सर, कुछ भी इशू नहीं है सर। ठीक है ना,